हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ सूर्य का गोचर मीन राशि में, सन ट्रांजिट इन पाइसिस साइन फ्रॉम 14th मार्च 2024 टू नेक्स्ट 30 डेज टिल 13th अप्रैल 2024। सूर्य का गोचर होने जा रहा है मीन राशि में, जो कि सूर्य की मित्र राशि है। सूर्य के डोमेन क्या हैं? देखिए, सूर्य आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी आत्मा कितनी प्योर है, ये हमें सूर्य की प्रेजेंटेशन से पता लगेगा। आपके फादर के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, समाज में आप कितनी इज्जत कमाएंगे, या दोस्त आपके वेल विशर आपको कितना सपोर्ट करेंगे, फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, क्या आपको इनहेरिटेंस मिलेगा, क्या आपके आपके रिश्ते पिता के साथ, आपके दादा के साथ कैसे होंगे, क्या आपकी कुंडली में सूर्य राहु की युति है, क्या आपकी कुंडली में सूर्य केतु की युति है। अगर ऐसा है, यानी कि सूर्य जो है वो बेनिफिक प्लैनेट है, राहु केतु मैलिफिक हैं, अगर बेनिफिक और मैलिफिक का कंजक्शन है, तो इन सब डोमेन्स में कमी आएगी जो मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि आपको इज्जत नहीं मिलेगी, फादर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, या फादर लॉन्ग एज नहीं होंगे, या फादर होते हुए भी फादर से आपको कुछ अच्छे बेनिफिट ना बचपन में मिलेंगे, ना यंग एज में मिलेंगे, बस नाम के पिता हैं, क्योंकि सूर्य राहु या सूर्य केतु की आपकी कुंडली में युति है। खास करके सूर्य राहु की अगर युति हो तो समाज में इज्जत कमाने में बड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा जिंदगी में हार्डवर्क एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सूर्य अगर तुला राशि में होंगे तो भी चीज़ें खराब होंगी, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, और सूर्य का डेबिटेटेड साइन लिब्रा में गोचर करना आदमी को मानसिक तौर पे झंझोड़ के रख देता है, क्योंकि जिंदगी में उसको अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन इसके उल्ट अगर सूर्य मेष राशि के हैं, आपके फर्स्ट हाउस में हैं, थर्ड हाउस में हैं, आपके फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, या आपके इलेवंथ हाउस में, या आपके ट्वेल्थ हाउस में, एग्जाल्टेड साइन में हैं, तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत अच्छी सेटलमेंट मिलती है, और ऐसे लोग दुनिया में तरक्की भी करते हैं और बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाते हैं। छोटी उम्र से ही धन लाभ इनको होना शुरू हो जाता है, या इनकी इनकम स्टेबल होनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों का सूर्य एग्जाल्टेड है कुंडली में, तो 25वां साल उनकी जिंदगी का भाग्य उदय का साल होगा। यानी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में सन एग्जाल्टेड है और उसके ऊपर कोई मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, कंजक्शन नहीं है, सन अलोन प्लेस इन योर फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस और इलेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, अकेला सन वहां पर प्लेस्ड है, तो 25वें साल से भाग्योदय शुरू होगा और ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, समाज में आपका नाम, इज्जत, शोहरत होगा, आप एक सफल पॉलिटिक्स भी बन सकते हैं और ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी तरक्की करेंगे। ब्रोकरेज के काम से, दलाली के काम से, या किसी धातु के काम लाइक वुडन के काम से आपको बड़ा अच्छा गेन होगा। सूर्य अपने आप में एक बहुत ही प्रतापी ग्रह हैं। आप समझ के चलें, सूर्य का तेज इतना ज़बरदस्त है कि हम अपनी आँखों से सूर्य देव की ओर देख नहीं सकते, क्योंकि सूर्य एक आग का गोला है, एक फायरी प्लैनेट है। और सूर्य का बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी और उस मुश्किलों से कितना ईजिली आप बाहर निकल पाएंगे, ये इंडिकेट करता है कितनी ज़्यादा डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर रहती है और कितना ज़्यादा पैरेंटल सपोर्ट, खास करके पिता से, दादाजी से आपको मिलेगी, ये सब सन की प्लेसमेंट बताती है। सो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सेंडर्स के बेस पर हैं, आपके सन साइन या मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेंडर साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सन ट्रांजिट इन पाइसेस साइन फ्रॉम 14th मार्च 2023 टू नेक्स्ट 30 डेज। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडर्स की। देखें, 11th हाउस की लॉर्डशिप है सन के पास, 6th हाउस में गोचर होगा, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। 14th मार्च 2024 टू टिल 13th अप्रैल 2024 इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम व्हेन यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, और खास करके कर्जे से छुटकारा मिलेगा, कोई नया लोन आपको मिल सकता है, कोई बड़ा नया लोन मिलेगा, जैसे कोई छोटा पुराना लोन आप चुकता कर देंगे। नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो सकते हैं, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, या विदेश में कोई आपको नया बिजनेसमैन या कोई नया
पार्टनर मिलने वाला है जिसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे और फ्यूचर में आप उनके साथ बिजनेस करेंगे। 14 मार्च से सूर्य का गोचर छठे भाव में, आपकी हेल्थ में अगर कोई इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, आपको उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू लिब्रा, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, परफॉर्म योर बेस्ट, ऑनेस्टी को पकड़े रखें, हार्ड वर्क करते रहें, परफॉर्म करते रहें, फोकस्ड होकर चलें, देन थिंग्स विल बी वंडरफुल फॉर यू फ्रॉम 14 मार्च टू 13 अप्रैल 2024। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 10th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम भाव 5th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे 14th मार्च 2024 ऑनवर्ड से 13th अप्रैल 2024 तक सूर्य का गोचर होगा। ये टाइम यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यू विल एंजॉय नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, यू विल स्पेंड वंडरफुल टाइम विद योर लव्ड वन, इफ यू आर स्टूडेंट यू आर फोकस्ड ऑन योर एजुकेशन एंड यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स फ्रॉम योर एफर्ट्स इन स्टडी और इन योर प्रोफेशनल लाइफ। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको जुआ सट्टा लॉटरी से हो सकता है, नया पार्टनर आपको मिल सकता है, थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू एंड यू विल गेट ऑल राउंड सक्सेस। दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम व्हेन योर मड विल टर्न इन गोल्ड, बट आपको एफर्ट्स करने हैं और अपने पिता की एडवाइस के बिना कुछ नहीं करना, पिता की ब्लेसिंग्स लिए बिना कुछ नहीं करना। ये सारा टाइम आपके लिए आपका गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी में आपको राइजिंग होगी, आपकी क्रिएटिव मैजिक क्रिएट करेगी। स्टूडेंट है तो भी आप एजुकेशन में बेस्ट रहेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस समय आपको देखने को मिलेंगे। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट हो जाएगी जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट रन करके कोई बिजनेस करते हैं, ब्लॉगर हैं, तो ये टाइम आप कोई नई डील नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं या आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे या लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अब बात करते हैं सैजिटेरियस एसेंडेंस की। 9th हाउस की लॉर्डशिप है सन के पास, 4th हाउस में गोचर होगा सूर्य का, डेट होगी 14th मार्च 2024 to 13th अप्रैल 2024। देखें इस समय में कंफर्ट्स में राइज होगा, नौकर चाकर आपके बढ़ेंगे, नया व्हीकल आप बाय कर सकते हैं, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, मदर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, मदर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एट योर होम एनवायरमेंट विल बी वंडरफुल, आपका घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, कार्यस्थल पर भले भले होगी, नया इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, नया पार्टनर आपको मिल सकता है, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, हिडन सेविंग्स आपकी राइज हो जाएंगी, हिडन नॉलेज आपकी बढ़ेगी, भाग्य का सहारा मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे आप जा सकते हैं, छुट्टियाँ मनाने आप जाएंगे, पैसा खर्च भी करेंगे उन छुट्टियों पर, बट ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिससे प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, क्योंकि 9th लॉर्ड ट्रांजिट इन 4th हाउस, 7th एस्पेक्ट इज ऑन योर 10th हाउस विच विल बी गुड फॉर यू, बट आपको बहुत बैलेंस बना के चलना है क्योंकि 10th हाउस में जो ऊर्जा आगे आ रही है आपके लिए, जो एनर्जीज आगे आ रही हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट करेंगी। ऑनेस्टी से चलें, हार्डवर्क होकर चलें, डिसिप्लिन से चलें, देन थिंग्स विल बी वंडरफुल फॉर यू। Stay cool man, thank you for watching my video, thank you for your love, namaskar, sat sri akal, salam, jai hind।